हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है स्टडी 24 ऑफिशियल 2। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, काफ़ी अच्छी अपडेट आप सभी के सामने लेकर आए हैं। जो कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज का वेट कर रहे थे, उन सभी का ये इंतज़ार जो है अब ख़त्म होने को आ गया है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे लगभग आपको 600 यानी कि 600 जो यहाँ पर 600 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, टीचिंग से रिलेटेड हैं। शिक्षक भर्ती काफ़ी ये देखने को मिल रही है और यहाँ पर आवेदन भी दिया गया है कब से कब हमारे फॉर्म स्टार्ट होंगे, फिलिंग के कब होंगे और इसकी लास्ट डेट कब है, और जो फी सबमिट करनी होगी वो भी यहाँ पर दिया गया है। डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि जो ऑनलाइन आवेदन है, हमारे पंजीकरण प्रारंभ की तिथि जो दी गई है वो 9/6/2022 की दी गई है। इसके बाद ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि जो है 9/6/2022 सेम ही है। फिर ऑनलाइन आवेदक जो कि पार्ट वन पंजीकरण की अंतिम तिथि 3/7/2022 और ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि 6/7/2022 है। ऑनलाइन आवेदन जो सबमिट करने की अंतिम तिथि यहां पर रहेगी वो 9/7/2022 रहेगी। अब यहां पर देख लेते हैं जो सब्जेक्ट्स रिलेटेड कि कौन से सब्जेक्ट से कितनी वैकेंसीज आई हैं, जिससे कि ये वीडियो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है आप ये भी देख सकते हो। अपने फ़ायदे के हिसाब से ही हम यहाँ पर वीडियो को पूरा देखेंगे। पहले हम सब्जेक्ट्स ही यहाँ पर कवर कर लेते हैं कि कितने सब्जेक्ट्स से कितनी वैकेंसीज आई हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो हम देख रहे हैं ये मेल्स के लिए, मेल्स की जो टोटल वैकेंसीज यहाँ पर हैं हम देख सकते हैं 549 हैं। इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो दिए गए हैं, सबसे पहले बात करते हैं नागरिक शास्त्र की, टोटल 30 हैं। जर्नल ओबीसी एससी एसटी ये सभी अपनी कैटेगरी वाइज इनको देख लीजिए। फिर रसायन विज्ञानी की 39 है, जीव विज्ञान की है 47, भूगोल की 51 है, इंग्लिश की 62, इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स की आप देख लीजिए। फिर बात करते हैं फीमेल्स की, तो फीमेल कैटेगरी में यहाँ पर टोटल 75 वैकेंसीज हैं। इसी तरह से कैटेगरी वाइज यहाँ पर इनको बांटा गया है, या आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं। और ये जो फीमेल में मोस्टली एसटी की तो बिल्कुल भी नहीं है, एससी में भी थोड़ी सी कम है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, क्या क्या योग्यता है कौन से सब्जेक्ट के लिए, तो ये आप सब कुछ देख लीजिए। यहाँ पर आपको हम इसका जो लिंक है अपने टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से ये हम देख रहे थे जो विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।